हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे यूपी लेखपाल के एग्जाम की। देखिए जो अभी खबर आज के सुबह के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है वो आई है एसटीएफ के द्वारा कि 15,000 संदिग्ध जो है वो परीक्षा देके जा चुके हैं और हम लोगों को कोई भनक नहीं और हम लोग कट ऑफ बार बार चिल्ला रहे हैं। अगर ये 15,000 लोग बैठ गए होंगे तो भैया कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप चाहे कितने भी नंबर ला रहे हो, आप इन लोग से थोड़ा जीत लोगे, ये तो भैया मार देंगे 90+। तो अभी बहुत दुख वाली न्यूज है ये कि एसटीएफ ने जो एक रिपोर्ट बना के भेजी है यूपी टीएससी को और कहा है कि भैया देखो कि 15,000 लोग बैठ गए और तुम यहाँ रिजल्ट बना रहे हो। तो यूपी टीएससी देखते हैं कि क्या वो करता है, आगे एक्शन क्या लेता है। लेकिन सुबह से ही बच्चे लगातार फेसबुक पे और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं और आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में सब में यही कह रहे हैं कि री एग्जाम कराइए, क्योंकि इतने संदिग्ध को एसटीएफ कैसे पकड़ पाएगी। मान लीजिए लग रहा है कि हाँ ऐसा इसने किया होगा, लेकिन माने एसटीएफ के पास इतना एविडेंस नहीं है, लेकिन वो बच्चा बच जाएगा। तो इसका एक तरीका ये है कि री एग्जाम कराया जाए, नहीं तो फिर आप मान के चलिए 15,000 में इन सबको ढूंढना बहुत कठिन है कि पता नहीं कैसे क्या तरीके से उन्होंने करा होगा। एसटीएफ पहुंच गई तो ठीक है, नहीं तो इनकी भी कॉपी चेक हो जाएगी और ये भी लेखपाल बन जाएंगे। लेखपाल बनने के बाद जब खुद ही इतनी धांधली से आए तो जाके भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे ये लोग करेंगे, खतौनी पट्टे सबके पैसे दिया करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है और ये रुकेगा कैसे, री एग्जाम कराकर। और री एग्जाम केवल एक ऑप्शन नहीं है, री एग्जाम केवल ऐसा कराया जाए कि किसी भी तरीके की धांधली ना हो पाए। पहले ही एसटीएफ पहले से ही इसको अच्छे से काम करके रखे, यूपी डब्ल्यूएससी अच्छे से काम करे। पता नहीं कौन अंदर का लोग है जो अंदर से ये पेपर लीक करा देता है, कोई ना कोई तो है जरूर अंदर का वो ये सब काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो यही है कि आपका री एग्जाम कराएं और आपको कमेंट बॉक्स में भी करिए कमेंट कि आपको री एग्जाम चाहिए या नहीं चाहिए। री एग्जाम करिए, ट्विटर अभियान चलाइए और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी री एग्जाम की मांग करें। अब एसटीएफ 15,000 लोग के डाउट कर रही है, पता नहीं 30,000 हुए, 35,000 लोग हुए, 8,000 सीटें हैं, तो फिर तो आपका जनरल का मेरिट बहुत हाई जाएगा। जनरल ओबीसी सबका मेरिट हाई जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको पूरी समझ लीजिए बुकलेट सीट पूरा मिल गई, पहले ही मिल गई होगी, आंसर सीट मिल गई होगी, आराम से 90-92-93 नंबर मार रहे होंगे और बिल्कुल ये लोग शांत बैठे हुए हैं और ये किसी सर्वे में भी भाग नहीं लेते होंगे। जैसे मैंने भी अपने चैनल में एक सर्वे कराया था, उसमें भी भाग नहीं लिया होगा, या जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो लोग अपना सर्वे कराते हैं तो उसमें ये लोग क्या है शांत रहते हैं कि 90 नंबर आ रहे हैं, 92 नंबर आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मेहनत से भी आ रहे होंगे नंबर, तो अच्छी बात है, वो लोग को नौकरी के वो हकदार भी हैं। लेकिन जो धांधली से आ रहे हैं नंबर जिनके 90+, तो वो लोग सर्वे में भाग नहीं लेते, इसलिए हम लोग को ओरिजिनल डेटा नहीं पता चल पाता है और जब कट ऑफ आती है तो बहुत हाई कट ऑफ चली जाती है। तो मेरी तो यही डिमांड रहेगी कि री एग्जाम कराया जाए, जब एसटीएफ ने कबूल लिया है, एसटीएफ सबूत दे रही है, अब एसटीएफ से बढ़कर थोड़ा कोई होगा, वो खुद ही जांच कर रही है। तो यही है कि री एग्जाम कराया जाए, री एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए और बहुत ईमानदारी से कराया जाए, आपकी बार गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंसान पक गया है समझ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको कमेंट कीजिए कि आपको री एग्जाम चाहिए।